नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, साथ ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ये यहाँ से इसको सा माना है, मैं इसको सवा दो बोलता हूँ यहाँ से, या इसको ढाई बोल दो। दोस्तों इधर ये नीचे के सुर में गाने से आपका जो गला है वो बिल्कुल साफ होगा। यहाँ से भी गाने की प्रैक्टिस कीजिए, देखना मैं एक भजन यहाँ से भी गा के बताऊँगा, उसका जो स्केल ऊपर और लेके वो भी गा के बताऊँगा। यहाँ से गाएंगे, बिल्कुल गले पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, गला साफ होगा, अच्छी सी प्रैक्टिस होगी, सुर समझ में आएगा, है ना। यहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, नीचे के सुर में भी गाने का प्रैक्टिस कीजिए और ऊपर के सुर में भी गाने का प्रैक्टिस कीजिए, देखना। आज हमारे संताराम जी साहब घर आया, मंगला रे चार चारों दिशी भया आनंद भरे साया। ओ आज हमारे संताराम जी इस तरीके से बस प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज्यादा। अब देखो दोस्तों, इसी भजन को 4:30 पे लेते हैं, आवाज कैसी रहेगी देखना। आवाज का रेंज देखना दोस्तों, ये आवाज का रेंज है। और यहां से दोस्तों ये आवाज़ की रेंज का फ़र्क है। बस बिल्कुल सुर को समझने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सारे सुर पे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो आपका गला है वो हर सुर पे गा सके, है ना। ऐसा प्रैक्टिस कीजिए, देखना। साढ़े तीन पे मैंने ले लिया इसको, मतलब ऐसा प्रैक्टिस कीजिए कि आपका गला हर आवाज में सेट हो जाए। देखो तीन पे ले लो, बस सुर समझ में होना चाहिए दोस्तों। देखो ये आवाज आते ही मेरे गले में आवाज बन गई है। आज हमारे संताराम जी साहब घर आया, मंगला रे चार चारों दिशी भया
आनंदी भरी साया। आजी हमारे संतान राम जी, आनंद भरे साया। आज हमारे भइयो राम जी, बस हर सुर में गाने का प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।